जो आदमी, एक आम आदमी जिस बिजनेस को 10 साल में कर सकता है, जिस मुकाम को आप एक वर्ष में कैसे हासिल करें, कैसे ज्यादा ज्यादा कस्टमर्स को अपने बिजनेस के साथ इंगेज करें और बिजनेस की ग्रोथ करें। आज मैं आप लोगों के लिए इतना लाइफ चेंजिंग वीडियो लेके आया हूं जो आप लोगों के बिजनेस को कई गुना बढ़ा देगा। मैं ललित शर्मा अबेकस ज्ञान से। दोस्तों, मैं आज आप लोगों को मैं कुछ चीजें बताने वाला हूँ बिजनेस रिगार्डिंग, जिन टेक्निक्स को अगर आप अपनाएंगे, उन प्रिंसिपल्स को अगर आप फॉलो करेंगे अपने बिजनेस में, तो आप अपने बिजनेस को कई गुना बढ़ा सकते हैं। इस प्रकार की वीडियो देखना चाहते हैं और आप मेरे बिजनेस से और मेरा एक्सपीरियंस को आप अगर जानना चाहते हैं, तो आप अभी इस भी हमारे चैनल वीडियो को लाइक करें, चैनल कर को सब्सक्राइब करें और बेल घंटी दबाएं, ताकि इस प्रकार की वीडियो आप लोगों को मिलता रहे। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि हम जितना भी टाइम बिजनेस में देते हैं, उसमें से 90% टाइम हमारा केवल बंदर कूद में होता है। बंदर कूद से मेरा तात्पर्य है, आप अपने बिजनेस में 90% टाइम ऐसी चीजों में इन्वॉल्व करते हो जो आपकी बिजनेस को ग्रोथ नहीं करता है। केवल हमारा 10% ही एक्शन होता है, प्योर एक्शन होता है, जिसको हम लोग अपने बिजनेस में यूज करते हैं और 90% सफलता प्राप्त करते हैं। हम लोग कह सकते हैं, हम लोग जितना भी बिजनेस में एक्टिविटीज करते हैं, उन्हें हम लोग दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक कहेंगे रिजल्ट ओरिएंटेड एक्टिविटीज और सेकेंड होता है नॉन रिजल्ट ओरिएंटेड एक्टिविटीज। यानी ये कहा जाता है कि आपने जितनी भी सफलता प्राप्त की है, उस सफलता के अंदर 90% जो सफलता है, उसमें केवल 10% का ही योगदान है। यानी आपका 90% सक्सेस केवल 10% एफर्ट्स पे डिपेंड करता है। अक्सर बिजनेसमैन क्या करते हैं, पूरे दिन काम तो करते हैं, लेकिन उसका 90% टाइम केवल नॉन रिजल्ट ओरिएंटेड एक्टिविटीज में इन्वॉल्व कर देते हैं। वो ऐसा काम करते हैं जो उसके बिजनेस को बढ़ा नहीं करता। उन्हें लगता तो है वो बिजनेस में इन्वॉल्व है, लेकिन रियलिटी में बिजनेस की ग्रोथ के लिए वो 90% यूज में नहीं आता। उनका केवल 10% टाइम, 10% एक्शन ही प्रॉपर वे में और सिस्टमेटिक तरीके से लगता है, इसलिए वो काम अच्छा कर पाता है और रिजल्ट दे पाता है। पहले तो आप अपने पूरे के पूरे 8 घंटे या 10 घंटे, जितना टाइम आप अपने बिजनेस को देते हैं, उसको प्योर एनालिसिस करें और उसमें से पहचाने कि पूरे दिन की एक्टिविटीज के अंदर ऐसा कौन कौन सा टाइम है, कितना टाइम है, जिन्हें आप एक आदमी, एक प्योन या एक एम्प्लॉय को रखकर भी वो काम करा सकते हो, लेकिन उस काम को आप कर रहे होते हैं और महत्वपूर्ण कामों के लिए आप समय नहीं दे पाते। यानी हम लोगों के उदाहरण ले, एक दुकानदार जो मॉर्निंग में दुकान पर आता है और अपनी सारी दुकान को जमाता है, सेट करता है, कभी कभी वो खुद भी सफाई भी करता है, लिस्ट बनाता है क्या आइटम घट रहा है, दुकान को सजाना, कस्टमर से बात करना, यानी पूरे दिन अपना वर्क करता है। लेकिन दोस्तों, कल भी उसने 2000 कमा रहा था, आज भी 2000 कमा रहा है और कल भी 2000 कमाएगा। क्यों? क्योंकि वो अपना मैक्सिमम टाइम केवल बिजनेस को संभालने में लगा रहा है, बिजनेस को ग्रोथ करने में नहीं लगाता। यही एक आम आदमी की बात होती है। अगर आपने अपना एक्शन टाइम को बढ़ा दिया, 10% 20-50 टाइम कर दिया, तो यकीन जानो जो काम आप 10 साल में करने वाले थे, वो काम 1 साल में भी कर सकते हो आप। अगर आपको पहचानना है कि आपका एक्शन टाइम को बढ़ाया कैसे जाए, तो मैं आपको एक ट्रिक्स देता हूं जो अक्सर मैं भी यूज करता हूं। आप हर 1-1 घंटे का अलार्म सेट कीजिए, ठीक है। अलार्म सेट करने से जैसे अलार्म बोलेगा, आप रुक कर कोई भी काम कर रहे हो, 1 मिनट के लिए रुकें और देखें कि पिछला 1 घंटे के अंदर आपने ऐसा कौन सा काम किया है जो आपके बिजनेस को ग्रोथ कर दे। तो आपको यह जानने का मौका मिलेगा कि लास्ट का 1 घंटे का कितना मैक्सिमम टाइम आप लोगों ने अनावश्यक एक्टिविटीज में निकाल दिया और कितना टाइम आप लोगों ने प्योर रिजल्ट ओरिएंटेड में निकाला है। ताकि आप अगर इस प्रकार 1-1 घंटे का अलार्म सेट करोगे अपने माइंड के अंदर, तो आपके माइंड को अनएक्सपेक्टेड एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होने ही नहीं देगा बॉडी, और आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपका एक्शन टाइम बढ़ता ही चला गया। एक डायरेक्ट सेलिंग करने वाले
बहुत सारे लीडर्स के एक सर्वे किया गया। उस सर्वे में ये पहचाना गया कि उन्होंने प्योर कितना काम करते हैं। तो यकीन जानो जो डायरेक्ट सेलिंग करने वाले लोग था, जब उनके टाइम का एक सर्वे किया गया तब मालूम पड़ा कि वो अपने 8 घंटे के पीरियड में केवल 45 मिनट ही अपने कस्टमर से बात करता है, यानी 45 मिनट ही वो टाइम होता है जो उसको रिजल्ट ओरिएंटेड करे। अक्सर मेरे से लोग पूछते हैं कि सर मैं ऐसा क्या करूं जिससे मेरे पास नए कस्टमर मेरे बिजनेस में आए। तो मैं उनसे एक बात पूछता हूं, आज आपने ऐसा कौन कौन सा प्रयत्न किया है जो आपको नए कस्टमर को आपके बिजनेस के बारे में मालूम पड़ा है? कौन कौन से कस्टमर तक आपने पहुंचा है और कितनी देर उन कस्टमर से आपका कम्युनिकेशन हुआ है और आपने क्या क्या प्रयत्न किया है, पूरा दिन का शेड्यूल बताओ। तो शायद आपको मालूम पड़ेगा कि 8 घंटे में 10 घंटे के अंदर आप 30 मिनट भी अपने प्रोडक्ट के बारे में नए कस्टमर को बता ही नहीं पाए। यदि आपने 8 घंटे के अंदर एक दिन के अंदर एक 5 कस्टमर को भी आपने अपना बिजनेस के बारे में नहीं बताया, उनको नहीं समझाया, नहीं इन्वॉल्व किया, तो कहां से कस्टमर आएगा? और यदि आपने अगर किया भी है और केवल 30 मिनट किया है तो भी कस्टमर उतना ही आने वाला है। दोस्तों अब तक लाइफ में अगर लाइफ में आप वही काम करते जाओगे जो करते आए हो तो लाइफ में उतना ही मिलेगा जितना मिलता आया है। समझे, अगर जो काम अब तक लाइफ में करते आए हो और वही काम आप आगे करोगे तो लाइफ में उतना ही मिलेगा जितना आपको मिलता आया है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप 10% अपना एफर्ट्स दिखाते आए हैं और 90% टाइम आप अनावश्यक चीजों में कंज्यूम करते आए हैं तो 10% एक्शन के अकॉर्डिंग ही आपको बेनिफिट मिलेगा। तो आप अपने एक्शन टाइम को बढ़ाएं, पूरे दिन का शेड्यूल बनाएं और एक कोशिश करें कि आज आपके बिजनेस की ग्रोथ के लिए क्या नया किया है आपने। हर एक घंटे के अंदर अपने आप को क्लिक करें कि हर एक घंटे में अपने बिजनेस की ग्रोथ करने के लिए क्या किया है। तो ये आज मेरा पहला टॉपिक था जिसको मैंने लिया है एक्शन टाइम, यानी समय की बर्बादी को रोकें और बिजनेस में प्योर एक्शन में अपना टाइम बढ़ाएं। अक्सर लोग वह क्या करते हैं, एम्प्लॉय को नहीं रखेगा, खुद ही अकाउंटेंट बन जाएगा, खुद ही प्योन बन जाएगा, खुद ही काउंसलर बन जाएगा, खुद ही एडमिनिस्ट्रेटर बन जाएगा और वो 90% ऐसे कामों के अंदर इन्वॉल्व हो जाएगा जिसे 5 से 10 हजार का एम्प्लॉय से भी कराया जा सकता था। तो अगर इस काम को आप डेलीगेट करते हैं, अधिकार का अंतरण करते हैं, अपने काम को अपने एम्प्लॉय को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो आप अपने लिए एक्शन टाइम बढ़ा सकते हैं। आप उस एक्शन टाइम को लेके आए जो आपके बिजनेस के लिए जरूरी है, अर्थात आप अनएक्सपेक्टेड चीजों को, नॉन रिजल्ट ओरिएंटेड एक्टिविटीज को कम करें और रिजल्ट ओरिएंटेड एक्टिविटीज को बढ़ाएं और अपने एक्शन टाइम को बिजनेस को ज्यादा से ज्यादा दें और हर एक घंटे में सोचें कि बिजनेस में कितना ग्रोथ हुआ है, मैंने क्या किया है, तो आप देखेंगे कि आप एक वर्ष के अंदर भी उतना रिजल्ट निकाल देंगे जितना आप 10 वर्षों के अंदर नहीं निकाल पाए। और मैं आपको काफ़ी सारे वीडियो लेके आने वाला हूँ जिसमें अगले वीडियो में मैं आपको ये बताऊँगा कि आप कस्टमर को ज़्यादा ज़्यादा इंगेज कैसे करें, ज़्यादा ज़्यादा कस्टमर कैसे आए, ज़्यादा ज़्यादा एडमिशन कैसे हो, ज़्यादा ज़्यादा आप अपनी सेल को कैसे इंक्रीज कर पाएँ। तो इस प्रकार के लाइफ चेंजिंग वीडियो मैं अपने बिजनेस का मेरा एक्सपीरियंस आपके सामने लेके आया करूँगा हर वीडियो में। तो आप हमारे वीडियो को देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, धन्यवाद।